और अब बात करते हैं आतंकी भटकल की। जेल में बंद आतंकी की हैरान करने वाली तस्वीरें। पुलिस वैन में बैठा आतंकी ले रहा है गुलाब की खुशबू। दर्जनों पुलिस वालों के सामने वो कर रहा है हाथों से इशारे। 250 मौतों के जिम्मेदार इस आतंकी की जेब में है संदिग्ध सामान। 12 बम धमाकों का गुनहगार यासीन भटकल मुस्कुरा रहा है। क्या यह किसी टेरर कनेक्शन का इशारा है? क्या यह किसी मास्टर प्लान का हिस्सा है? गुलाब की खुशबू के बीच इस शातिराना मुस्कान का क्या है राज? जेल में बंद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल की चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर उस वक्त की है जब भटकल को हैदराबाद कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा, जानकार भी इसे सामान्य घटना नहीं मानते। जिस शातिराना अंदाज में आतंकी भटकल मुस्कुरा रहा है उसे देखकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यह तस्वीर है आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल की। यासीन भटकल देश में 12 बम धमाकों का आरोपी है। इन धमाकों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। सैकड़ों लोगों का गुनहगार आतंकी भटकल इस समय हैदराबाद के चिरापल्ली जेल में बंद है। अदालत में पेशी के लिए ही यासीन भटकल को जेल से निकाला जाता है, वो भी बेहद कड़ी सुरक्षा घेरे में। यही वो वक्त होता है जब भटकल की तस्वीरें दुनिया के सामने आती हैं। कल यानी 9 जुलाई को यासीन भटकल को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर हर कोई चौंक गया। भटकल की 3 तस्वीरें देखकर हर कोई सन्न रह गया। सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी इन तस्वीरों पर गौर करना जरूरी है। हम आपको सभी तस्वीरों के बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन उसके पहले इन 3 तस्वीरों पर नजर डालिए। पहली तस्वीर में पुलिस की वैन के अंदर बैठा यासीन भटकल हाथ में गुलाब का फूल लिए है। दूसरी तस्वीर में पुलिस जब उसे कोर्ट ले जा रही है तो उसकी जेब में कुछ नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर में हाथ उठाकर मुस्कुराकर भटकल कोर्ट परिसर में मौजूद एक शख्स को तसल्ली दे रहा है। आतंकवादी यासीन भटकल की यह तस्वीर है बेहद ही हैरान करने वाली और चौंकाने वाली है। यासीन भटकल पुलिस की गाड़ी में बैठकर अदालत में पेशी के लिए आया था, लेकिन उसके हाथ में एक गुलाब का फूल था और वो गुलाब का फूल लेकर मुस्कुरा रहा था। सबसे पहले यासीन भटकल के हाथ में लाल गुलाब के फूल वाली तस्वीर पर नजर डाली है। दरअसल यासीन भटकल को कड़ी सुरक्षा घेरे में अदालत में पेशी के लिए लाया गया था। पुलिस वैन में बैठा भटकल बड़े ही इत्मीनान के साथ मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में लाल गुलाब का फूल था। भटकल सबसे पहले उस फूल को सूंघता है और फिर चेहरे पर कुटिल मुस्कान बिखेरता है। तिरछी निगाहों से वैन के बाहर देखता है, कुछ बुदबुदाता है और उसके बाद खुलकर हंस पड़ता है। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या ये किसी के लिए इशारा था या फिर कुछ और? एक कंडम्ड प्रिजनर है और जो उसका सेल है जेल में वो भी 7x7 का है। ये यूजुअली जो हाईली कंडम्ड प्रिजनर होते हैं उनके सेल में रखा जाता है। उसके बावजूद अगर ये हाथ में गुलाब का फूल लेके कोई जेस्चर दे रहा है और उसकी पॉकेट में कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है तो ये तो सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है और इसके कुछ ना कुछ वो मैसेज कन्वे कर रहा है। ये बातें डिनाई नहीं हो सकती। अब दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। ये तस्वीर तब की है जब पुलिस भटकल को कोर्ट ले जा रही थी। इस तस्वीर में भटकल की जेब में कुछ नजर आ रहा है। आखिर ये क्या है? कैदियों को अपने पास कोई निजी सामान रखने की इजाजत नहीं मिलती, फिर भटकल की जेब में ये कैसे पहुंचा और आखिर ये है क्या? इन सवालों के जवाब इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि पिछले हफ्ते ही खुफिया सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी कि जेल में बंद भटकल ने अपनी पत्नी से फोन पर बात की थी।
इसको लोग इसके मिलने वाले और आईएम के लोग भी हो सकते हैं और दूसरे जो हमारे खिलाफ एजेंसी काम कर रही हैं उनके लोग भी बाहर हो सकते हैं और ये जेस्चर जो दे रहा है ये नॉर्मल बात नहीं है। पेशी के वक्त जाते हुए आतंकी के हाथ में लाल गुलाब और साथ में जेब में संदिग्ध सामान, ये इशारा करता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। कई सारे सवाल ऐसे में खड़े होते हैं कि क्या यासीन भटकल गुलाब के फूल के जरिए किसी को सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब तक वो बाहर रहा या फिर पुलिस वैन में रहा वो अलग अलग तरीके से सिग्नल देने की कोशिश या फिर अलग अलग जेस्चर दे रहा था। तीसरी तस्वीर में भी भटकल संदिग्ध हरकत करता नजर आ रहा है। कोर्ट परिसर के अंदर भटकल हाथ उठाकर मुस्कुराकर एक शख्स को तसल्ली दे रहा है। ये तीनों तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली और हैरान कर देने वाली हैं। ऐसा आदमी जो ये क्लेम करता है कि मुझे आईएस छुड़ाएगी और इस तरह की अफवाहें फैला रहा है और उसके बावजूद ये बात भी वो एक गुलाब के फूल से जेस्चर दे रहा है, ये नॉर्मल बात नहीं है। आतंकी यासीन भटकल की इन तस्वीरों को सामान्य नहीं कहा जा सकता। सुरक्षा घेरे के बीच जिस तरह से वो शातिराना अंदाज में मुस्कुरा रहा है, गुलाब की खुशबू लेकर हंस रहा है और कोर्ट परिसर में हाथ उठाकर इशारा कर रहा है, ये आतंक के इस खौफनाक चेहरे का कोई मास्टरमाइंड प्लान भी हो सकता है। दिल्ली से मनीष प्रसाद के साथ संजय तिवारी, इंडिया टीवी, हैदराबाद। आतंकी भटकल देश का मोस्ट वांटेड आतंकी रहा है। उस पर कई बम धमाकों के आरोप हैं। बीते हफ्ते भी इस बात की खबर आई थी कि वो जेल की चार दीवारी के बीच फोन पर घर वालों से बात करता है। खुफिया विभाग ने जैसे इस बात की खबर दी, सुरक्षा एजेंसियां हैरान रह गईं। हालांकि बाद में जेल प्रशासन ने ऐसे आरोपों से इनकार कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश चल रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जो बातचीत में उसने अपने घर वालों को कहा था। पुलिस वैन में लाल गुलाब की खुशबू, चेहरे पर कुटिल मुस्कान, हाथों से इशारे, यासीन भटकल की ये गतिविधियां बेहद संदिग्ध हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब यासीन भटकल की गतिविधियों पर सवाल खड़े हो रहे हों। अभी पिछले हफ्ते ही खुफिया एजेंसियों के हवाले से आई खबर ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक यासीन भटकल जेल की चार दीवारियों के बीच अपने परिवार वालों से संपर्क में था। उसने कई बार अपनी पत्नी से बात की थी। पिछले हफ्ते यासीन भटकल को लेकर एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। खुफिया सूत्रों के मुताबिक यासीन भटकल ने अपनी पत्नी से मोबाइल फोन पर बातचीत की। ये भी पता चला है कि उसने 27 बार फोन कॉल किए थे। खुफिया एजेंसियों ने यासीन भटकल और उसकी बीवी के बीच मोबाइल फोन पर अलग अलग वक्त में 10 बार हुई बातचीत को पकड़ा है। मई महीने में रात के वक्त की गई करीब 42 मिनट की एक बातचीत में भटकल के सनसनीखेज मंसूबों का पता चला है। इस बातचीत में भटकल के नापाक इरादों का भी पता चला। जेल में बंद आतंकी यासीन भटकल के मंसूबे बेहद खतरनाक दिख रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के पास इंटरसेप्शन है जिसमें वो जेल के अंदर से ही अपनी पत्नी से बात कर रहा है और कह रहा है कि आईएसआईएस के लड़ाके उसे जेल से छुड़वाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब ऐसे में ये चौंकाने वाली बात के साथ साथ एक संकेत है सुरक्षा एजेंसियों के लिए कि जल्द से जल्द चारों तरफ चौकसी बढ़ाई जाए। अल्लाह ताला की मर्जी से जल्द ही निकल जाऊंगा। दमिश्क वाले दोस्तों की मदद से मैं निकल जाऊंगा। फिर निकलने के बाद हम जल्द ही दमिश्क पहुंचेंगे। अल्लाह का खैर है कि आप अच्छे लोगों से मिले। अब सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह। दमिश्क वाले भाईजान अपने साथ ले जाएंगे इंशाअल्लाह। खुदा करे ऐसा ही हो।